वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नीतियों को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हैं, लेकिन उनके इन दावों और वादों पर उन्हीं की पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने सवाल उठाए हैं। साथ ही मोदी और योगी सरकार से पूछा है कि क्या ऐसे बढ़ेगा इंडिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद वरुण गांधी जिला अस्पताल में न्यू इमरजेंसी विंग के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी नीतियों को लेकर मोदी और योगी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में इन दोनों क्षेत्रों में जीडीपी का सिर्फ 2% बजट खर्च होता है, ऐसे में हिंदुस्तान का भविष्य कैसे सुधरेगा। रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की नाकाम नीतियों की वजह से ही हमारे बेस्ट डॉक्टरों, वकीलों, टीचरों और प्रोफेसर्स को विदेशों का रुख करना पड़ता है। अगर हमारे देश में सब ठीक होता तो हमारे देश के भविष्य को विदेशों की ओर न जाना पड़ता। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 200,000 डॉक्टर बेरोजगार हैं, लेकिन हमारी सरकार को इनकी जरा भी कदर नहीं। इतना ही नहीं, वरुण गांधी ने तो सरकार को सलाह भी दी है कि वो जीडीपी का 10% शिक्षा और 10% स्वास्थ्य पर खर्च करें, ताकि हमारे विशेषज्ञ विदेश जाने पर मजबूर ना हो। इसी में हमारे देश का विकास छिपा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।